मिड रेंज सेगमेंट में जब भी हम फोन कोई खरीदते हैं, मिड रेंज सेगमेंट मतलब 20,000 से 30,000 रुपए वाले स्मार्टफोन्स, तो जब भी हम ऐसा कोई नया फोन खरीदने जाते हैं तो यही कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा फोन खरीदे। पर ऐसे में यूजर्स के लिए हमेशा लेटेस्ट स्मार्टफोन्स बेस्ट होते हैं। इसकी वजह ये है क्योंकि जब भी कोई कंपनी नया फोन लॉन्च करती है तो वो 2 से 3 साल तक का ऑपरेटिंग अपडेट और सिक्योरिटी अपडेट ऑफर करती है। तो ऐसे में अगर आप इस साल का एक लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीदेंगे तो अगले 2-3 साल तक आपको उसमें नए फीचर्स मिलेंगे और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ऐसे में पुराना स्मार्टफोन ना खरीद के लेटेस्ट अगर आप फोन खरीदते हैं तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। लेकिन इसी साल में बहुत सारी टॉप कंपनियों ने मिड प्राइस सेगमेंट में बहुत अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं जो कि प्राइस सेगमेंट से भी अच्छे हैं और फीचर वाइज भी अच्छे हैं। तो ऐसे में मैं आपको कुछ टॉप कंपनीज के ऐसे फोन्स बताऊंगी जो कि अगर आप 30,000 रुपए तक का एक फोन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन हो सकता है। इसमें सैमसंग, वन प्लस, ओप्पो, आईक्यू के स्मार्टफोन शामिल है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सैमसंग की। तो सैमसंग का एक बेस्ट सेलिंग हमेशा से फोन रहा है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE। अब ये फोन आपको क्यों खरीदना चाहिए, एक तो ये सैमसंग का पुराना फोन है लेकिन इस फोन के फीचर्स बहुत अच्छे हैं और हाल ही में कंपनी ने अपना एक नया FE एडिशन सैमसंग S23 FE लॉन्च किया है जिसकी वजह से इस फोन पर प्राइस कट होने के बहुत हाई चांसेस हैं। वैसे तो इस फोन की जो एक्चुअल प्राइस है वो 29,999 रुपीज है लेकिन अब इसको आप प्राइस कट और बैंक ऑफर के साथ काफी कम में खरीद सकते हैं। अब इस फोन के कुछ फीचर्स पर आते हैं तो इसमें ऑक्टाकोर एक्सोनस 2100 चिपसेट दिया है, ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें आपको 12MP के डुअल कैमरा और 8MP का कैमरा मिलता है, 32MP का फ्रंट सेंसर दिया गया है, 6.4 इंच का डिस्प्ले मिलता है और ये एक एमोलेड डिस्प्ले है और ये 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है। इसमें आपको एक स्टैंडर्ड साइज की 4500mAh वाली बैटरी मिलती है। तो ये एक ओवरऑल फीचर्स है अगर आप मिड रेंज सेगमेंट वाला फोन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिहाज से बहुत अच्छा फोन है। तो जैसे कि आप जानते हैं नॉर्ड सीरीज में कंपनी अपने बजट सेगमेंट वाले अच्छे स्मार्टफोन्स लॉन्च करती है, तो OnePlus Nord C3 5G, एक तो ये 5G स्मार्टफोन है, ऊपर से इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 26,000 रुपए से 30,000 रुपए तक के प्राइस सेगमेंट में ही आता है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 782 चिपसेट मिलता है और ये एक अच्छा चिपसेट है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर दिया है, परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है इसमें, 58 और 2MP के कैमराज मिलते हैं। सेल्फी के लिए इसमें 16MP का फ्रंट सेंसर दिया गया है। फोन में 6.7 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले मिलता है जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है। तो बड़ा डिस्प्ले है, रिफ्रेश रेट भी ज़्यादा है, डिस्प्ले की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। इसमें 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई और 80W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। तो OnePlus लवर्स के लिए बहुत अच्छा फ़ोन है, इसमें आपको बड़ी बैटरी मिल रही है, ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है, डिस्प्ले अच्छा दिया गया है, तो ये भी एक ओवरऑल बहुत ही अच्छा फ़ोन है जो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब आ जाते हैं ओप्पो के स्मार्टफोन पे और ये जो स्मार्टफोन है ये लेटेस्ट लॉन्च स्मार्टफोन है और ये लॉन्च के बाद से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। ये है ओप्पो रेनो 10 सीरीज का बेस वेरियंट और ये ओप्पो रेनो 10 5G स्मार्टफोन है, 29,999 रुपीस के स्टार्टिंग प्राइस पर आता है, मतलब आप 30,000 रुपए तक के प्राइस सेगमेंट में इसको खरीद सकते हैं। मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 ये लेटेस्ट चिपसेट जो है वो दिया गया है इसमें। ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें आपको 64MP, 8MP और 32MP सेंसर्स दिए गए हैं। सेल्फी के लिए इस फोन में आपको 32MP का फ्रंट सेंसर मिलता है। अब इसमें 6.7 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले दिया और ये एमोलेड डिस्प्ले है, 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है। तो इसमें आप देखिए कैमरा बहुत अच्छा है, एमोलेड डिस्प्ले दिया है, हाई रिफ्रेश रेट है, डिस्प्ले का साइज भी काफ़ी अच्छा, लेटेस्ट चिपसेट है और इसमें आप गेमिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं और मल्टीटास्किंग के लिहाज से भी अच्छा है। इसमें आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है और 67W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। अब एक और ऑप्शन है आईक्यू का। आईक्यू का एक बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन रहा है आईक्यू न्यू 7 और ये फ़ोन आता है 27,999 रुपए के स्टार्टिंग प्राइस पर। इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 चिपसेट दिया है, चिपसेट काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें आपको 64MP का सिंगल और 22MP के दो कैमराज मिलते हैं। सेल्फी के लिए 16MP का फ्रंट सेंसर दिया गया है। अब फोन में आपको 6.78 इंच का एक फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है। अब आईक्यू के फोन्स की खास बात ये है कि इनके बैटरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है क्योंकि कंपनी खासतौर पे गेमिंग स्मार्टफोन्स निकालती है और गेमिंग प्रोसेसर ही देती है। तो अगर आप मल्टीटास्क करना चाहते हैं, गेमर हैं या फिर कंटेंट स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो ये फ़ोन आपके लिए परफेक्ट हो सकता है क्योंकि इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ज़्यादा मिलता है, ये फ़ोन जल्दी चार्ज होता है।
5000 mAh की बैटरी है इस फोन में और 120 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। तो जितने भी फोन हमने आपको बताए सबसे हाईएस्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इसी फोन में मिलता है। तो अगर आप एक पर्टिकुलरली ऐसा फोन खरीदना चाहते हैं जो जल्दी चार्ज हो और लॉन्ग बैटरी बैकअप दे जिसे आपको बार बार चार्ज ना करना पड़े, तो ये फोन आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो इस लिस्ट में मैंने जितने भी फोन्स आपको मेंशन किए हैं ना, ये एक बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन्स हैं जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आपको एक परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी मिलेगी और बहुत लंबे टाइम तक आप इन फोन्स को इजीली इस्तेमाल कर पाएंगे, फ़ोन जल्दी ख़राब नहीं होंगे, फास्ट चार्जिंग मिल रही है, कैमरा परफॉर्मेंस अच्छी है, स्टैंडर्ड प्रोसेसर आपको मिल रहा है, बैटरी साइज़ अच्छा है, तो ओवरऑल ये फ़ोन्स काफ़ी अच्छे हैं, डिज़ाइन भी इनके काफ़ी अच्छे हैं। तो ऐसे में इस लिस्ट में कौन सा फ़ोन है जो आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं या अपग्रेड करना चाहते हैं या कोई और अच्छा फ़ोन जो आपको लगा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें जो 30,000 रुपये तक का एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदना चाहता है और कंफ्यूज रहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।